हेलो दोस्तों, आज हम अपने रिएक्शन मैकेनिक्स का 13 लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं और हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का 6th लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं और जिसमें आज हम इम्पोर्टेंट रिएक्शन मैकेनिक्स को डील करेंगे जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, जिसको हम SN1 के नाम से जाने जाते हैं। सारी बातें बताएंगे आपको कि उसका नाम SN1 पड़ा और क्या क्या सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेट करती हैं। जो इंपॉर्टेंट बातें होगी ये सारे इस लेक्चर में कवरअप होगी भाई, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हमने SN2 को फिनिश कर दिया था इन दैट, उसके पहले तो हमने E1 एलिमिनेशन को पूरा अच्छी तरह एलिमिनेशन रिएक्शन पूरा फिनिश हो गया था। तो आज हम सब्स्टिट्यूशन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। आ जाते हैं SN1 रिएक्शन को भी इन दैट फिनिश करेंगे जैसे SN2 हमने फिनिश किया है, ठीक है। इसके बाद SN1 में आज के लेक्चर में जो बातें होगी वो SN1 से बिलोंग जो भी रिएक्शन मैकेनिज्म, जो भी टर्म्स है, जितने भी कंसेप्चुअल बातें होंगी वो सारी यहाँ पे खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें सिंथेटिक एप्लीकेशन देख लेंगे SN1 का जल्दी, ठीक है। फिर आपने एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जो आखिरी बच जाएगा उसको हम कवरअप करेंगे। तो आ जाते हैं अपने SN1 रिएक्शन के ऊपर। तो भाई वो SN1 रिएक्शन जो है यहाँ पर होता है हाइड्रोलिसिस। क्या भाई वो अल्काइल हैलाइड का हाइड्रोलिसिस होता है। क्या होता है भाई वो हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, ऑफ अल्काइल हैलाइड मतलब अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल का क्या होगा, हाइड्रोलिसिस। नाम से ही पता चल रहा है आपको, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और वाटर की प्रेजेंस में जब अल्काइल हैलाइड का ब्रेकडाउन होगा उसी को हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड होगा। और एक चीज और बताना चाहूंगा मैं दूसरी, यहां पर जो अल्काइल हैलाइड हम लेते हैं वो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में सबसे ज्यादा SN1 देखा जाता है। इसके अंदर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में SN1 बहुत अच्छा ऑब्जर्व होता है, ठीक है। SN1 अच्छा ऑब्जर्व होता है, ठीक है। तो आपको ये तो बात पता चलेगी हाइड्रोलिसिस होगा अल्काइल हैलाइड का और यहाँ पे कौन से अल्काइल हैलाइड लेंगे ज़्यादातर हम, उसके पीछे रीजन भी बताएंगे अभी आपको। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेंगे और उसमें SN1 बहुत अच्छा ऑब्जर्व होता है, उसके पीछे रीजन है। और भी बहुत अच्छे अल्काइल हैलाइड है हमारे पास, ठीक है। तो आ जाते हैं अपने यहाँ पर, हम अल्काइल हैलाइड ले लें बेसिकली, अभी हम कोई मैटर नहीं कर रहे कि कौन सा अल्काइल हैलाइड है, और उसमें हम वाटर डाल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर वाटर डाला है एक सॉल्वेंट की फॉर्म में, ये हमारा ये वाटर क्या है, एक सॉल्वेंट है। और यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल की जरूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पे सॉल्वेंट से ही रिएक्शन हो जाती है, इसीलिए SN1 रिएक्शन को हम सोल्वोलिसिस रिएक्शन भी कहते हैं, सोल्वोलिसिस रिएक्शन भी कहते हैं भाइयों। तो याद रखना आपको सोल्वोलिसिस रिएक्शन की टर्म से भी जाना जाता है, ठीक है। तो वाटर में आपको पता है यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल बनेंगे वो OH नेगेटिव बनेंगे, ऑब्वियस ही बात है। और यहाँ ये अल्काइल हैलाइड, हैलोजन कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एनीथिंग एल्स। तो आपको पता है अल्काइल हैलाइड में ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। और यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज इससे आएगा ही, इसको डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ पर हमारे जो फॉर्म होंगे स्पीसीज वो हमारे होंगे भाइयों अल्कोहल। क्या फॉर्म होंगे, अल्कोहल फॉर्म होंगे। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान देना, अब कैसे हुई ये रिएक्शन मैकेनिज्म वो सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है। तो यहां जो मैकेनिज्म है इसका वो चीज देखने से पहले एक अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं हम, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में ले लेते हैं। देखो CH3 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं हम, यह है 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड और इसमें हम वाटर डाल दिया। क्या डाल दिया भाई, वाटर। तो आपको पता है वाटर में से यही एक न्यूक्लियोफाइल बन के निकलेगा OH नेगेटिव, तो यहाँ से आता है, यहाँ अटैक मारता है, क्लोरीन यहाँ लीव कर जाता है और हमें जो मिलेगा मेन प्रोडक्ट आपके पास कुछ इस तरीके से मिलेगा। ठीक है भाइयों, और अल्कोहल लग जाएंगे और यहाँ पर Cl नेगेटिव यहाँ लीव कर जाएंगे। अब बताते हैं इसका एक्चुअल पाथ क्या है, रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म इसकी 2 स्टेप में होती है। पहला क्या होता है, पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल बाहर जाता है और दूसरे स्टेप में अदर न्यूक्लियोफाइल अंदर आता है। आसान भाषा में ऐसे बोल सकते हैं हम, पहले स्टेप में कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी और दूसरे स्टेप में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा। चलो आ जाते हैं कैसे हुआ उस चीज को देखते हैं। तो 2 स्टेप में रिएक्शन होगी, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन और सेकेंड स्टेप क्या है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। बस यही करवाना है, स्टेप फर्स्ट
फॉर्मेशन ऑफ कार्बो कैटायन। आपको पता है कार्बो कैटायन कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हमने ले लिया यहां पर, देखो सी CH3, 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 यही तो स्पीशीज लिया था हमने, अभी हमने शॉर्ट रिएक्शन करी थी। तो आपको पता है कार्बन और क्लोरीन में कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, तो क्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इस पे नेगेटिव है ना, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है स्टेप फर्स्ट। ठीक है, पहले स्टेप में क्या होता है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है, और यही हमारी स्टेप जो होती है वो हमारी स्लोवेस्ट स्टेप होती है, और ऑब्वियस बात है यही हमारी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी। तो पहले स्टेप में क्या होता है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है, और लेके जाएगा तो आपको पता है यहां पर क्या फॉर्म होंगे, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी। और कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी तो भाइयों यहां पर एक चीज और यहां सीएल नेगेटिव लीव कर चुका है ना, यहां पर हम क्या यूज करते हैं इसकी जगह पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं भाई, यहां पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। इसके पीछे रीजन है क्यों यूज किया, इसका रीजन है कि क्लोरीन नेगेटिव वापस इस पर अटैक ना मार दे, रिवर्स अटैक मारेगा वापस हमारे एल्काइल हैलाइड बन जाएगी, इसलिए यहां पर हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज करेंगे। एम टाइम पे आपको याद दिलाऊंगा, इसको थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, क्लोरीन यहां पर रिवर्स अटैक ना मारे, इसकी वजह से हमने यहां पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज किया है। अब आ जाते हैं यहां पर हमारे क्या फॉर्म हुई है, कार्बोकैटायन फॉर्म हुए नहीं हुए भाइयों। तो यहां पर हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर हम थोड़ा ज्यादा ख्याल रखेंगे, तो यहां पर हमारे 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये हमारे कैसे हैं 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, तो ये अल्फा 9 अल्फा हाइड्रोजन मिलकर इसको स्टेबलाइज करेंगे, तो ऑब्वियस बात है इसको हाइपर कंजुगेशन के थ्रू इतनी ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है, तो ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है। ठीक है, अब सेकंड स्टेप जो है हमारी स्टेप सेकंड, जिसमें हमें क्या करना है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, क्या है भाइयों अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो आपको पता है सॉल्वेंट हमने वाटर मॉलिक्यूल यूज किया है, तो कार्बोकैटायन उठा लो, तो ये हमारे कार्बोकैटायन है, ठीक है, और यहां पर हम क्या डाल रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है यहां पर पॉजिटिव चार्ज है कार्बोकैटायन, और यहां पर हमने वाटर मॉलिक्यूल एज ए सॉल्वेंट ले रखा है, और यही हमारे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। ये हम वापिस आते हैं, इस पर अटैक मार देते हैं, तो इस पर अटैक मारेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके की स्पीसीज जनरेट होगी। देखो यहां से ये टूटेगा H प्लस और OH नेगेटिव, तो यहां पे अटैक किसका होता है, सिर्फ नेगेटिव आयन का, क्यों, आप ऐसे ही लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, आप वाटर मॉलिक्यूल ऐसे लगा दो OH, और इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा क्योंकि इसने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देके कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज किया है। अब बात आती है ऑक्सीजन के ऊपर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, हाईली अनस्टेबल, तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके चला जाता है, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके चला जाता है, तो हमारे पास जो स्पीसीज फॉर्म होगी वो 3 डिग्री अल्कोहल फॉर्म हो जाएगी भाई। तो ये हमारी थी रिएक्शन मैकेनिज्म। तो पहले स्टेप में क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लिया, क्लोरीन लीव कर गया अपने इलेक्ट्रॉन लेके, और यही स्टेप हमारी स्लोएस्ट होती है और यही हमारी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, ठीक है भाइयों। और कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हुई, सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ, वाटर मॉलिक्यूल आकर लीव किया, एच यहां पे लीव कर गया, ठीक है भाइयों, क्योंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है, तो ये हमारे पास इस तरीके की स्पीसीज जनरेट हुई है, ठीक है, तो इसको नोट करें आप, ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया है। अब आ जाते हैं इसके रिलेटेड जो भी बातें हैं, इसकी आरडीएस पे कौन वर्क कब कर रहा है, क्या क्या हमने नोटिस किया, सारी इंपॉर्टेंट बातें अब डिस्कस कर लेते हैं। तो इस लेक्चर में आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आएगा, अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देंगे, ठीक है भाइयों। आ जाते हैं अपने पॉइंट्स टू रिमेंबर पे, और ये पॉइंट्स बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर बन के आते हैं, तो थोड़ा ध्यान देना है इस पे, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, इसलिए मैं सारी बातें लिखवा रहा हूं आपको। देखिए पहला पॉइंट क्या है, तो पहले आ जाते हैं, इसका नाम SN1 ही क्यों पड़ा, है ना भाइयों, इसका नाम SN1 ही क्यों पड़ा, उसके पीछे रीजन क्या है, इसकी जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, क्या भाइयों, जो इसकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, और जो कि हमने देखा भी 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेते हैं और उसमें से क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता था, तो इसकी आरडीएस में
वन मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्व, ठीक है, या हम ऐसे बोल सकते हैं रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ किस पे, अल्काइल हैलाइड पे। तो यहां पे जो ऑर्डर आया है, यहां जो ऑर्डर आया है ओनली अल्काइल हैलाइड का है, तो ऑर्डर क्या होगा यहां पर वन होगा। तो इसीलिए इस रिएक्शन को हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक स्पेसिफिक नाम हमने लिखा है, जो नाम आपके सामने यहां मैंने मेंशन कर रखा है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। यूनि का मतलब होता है सिंगल, इसका ऑर्डर वन है इसलिए यूनिमोलिकुलर, ठीक है। तो यहां पर भी लिख सकता था पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। तो भाइयों यहां पर जो को एक चीज नोटिस कर सकते हो, तो यहां पर जो हमारे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है आरडीएस है, वो सिर्फ कंसेंट्रेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, किसकी कंसेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, अल्काइल हैलाइड के। अगर हम अल्काइल हैलाइड का कंसेंट्रेशन डबल करते हैं तो हमारे आरडीएस भी 2 times ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी, है ना। तो आरडीएस न्यूक्लियोफाइल की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, आरडीएस इज नॉट डिपेंड ऑन कंसेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि भाई हो इसमें जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, वो हमारा अल्काइल हैलाइड है। यहां पर कोई न्यूक्लियोफाइल की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा कि न्यूक्लियोफाइल का रेट, मतलब न्यूक्लियोफाइल की कंसेंट्रेशन अगर बढ़ती है तो यहां पर रेट पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या है हमें जो ध्यान में रखनी है, तो यहां पर जो आरडीएस है उसमें फॉर्मेशन किसकी हुई है, यहां आरडीएस में जो फॉर्मेशन हुई है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में किस चीज की फॉर्मेशन हुई है, वो कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हुई है। तो भाइयों यहां जो आरडीएस है उसमें क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रही है कार्बोकेटाइन की, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, आरडीएस में कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन है। तो भाइयों कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी मैटर्स करेगी, तो कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ है तो रीअरेंजमेंट भी हो सकती है, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, है ना। फॉर्मेशन हुई है कार्बोकेटाइन की तो हम रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल कर सकते हैं। कौन कौन सी रीअरेंजमेंट होती है, हाइड्राइड शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट और मिथाइल शिफ्ट, इन सभी की शिफ्टिंग हम इजिली करवा सकते हैं, है ना। तो यहां पर हम आरडीएस में कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन है तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी मैटर्स करेगी। तो यहाँ पे जो आरडीएस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की। तो एक चीज आपने नोटिस की होगी, अगर हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे तो आरडीएस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, मतलब आरडीएस भी उतना फास्टर रिएक्शन करेगा, हमारा रिएक्शन की भी फास्टर हो जाएगी ना, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा तो हमारे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी ज्यादा होगी तगड़ी। तो इस चीज और एक चीज और बता सकता हूं मैं कि रीअरेंजमेंट होने के बाद आपको पता है रीअरेंजमेंट से हमारा जो कार्बोकेटाइन है अपनी स्टेबिलिटी बढ़ा सकता है, पर आरडीएस में उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। रीअरेंज होने के बाद जो कार्बोकेटाइन मिलेगा वो हमारे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट से जो भी, क्योंकि रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन इज नॉट आरडीएस, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन इज नॉट आरडीएस, मतलब ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ही नहीं हमारी रीअरेंजमेंट। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल तो है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी मैटर कर रही है, पर रीअरेंज होने के बाद जो कार्बोकेटाइन स्टेबल बन के आएगा वो हमारे आरडीएस पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान देंगे। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि हमारा जो रीअरेंजमेंट जो कंसेप्ट है वो हमारे आरडीएस पे इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो डायरेक्टली हमें जो कार्बोकेटाइन स्टेबल मिलेंगे वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे मैटर्स करेंगे, और जो स्टेबिलिटी रीअरेंज होने के बाद मिलेगी वो हमारे आरडीएस को अफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। इज नॉट अफेक्ट
द रेट। क्लियर भाई ये चीज थोड़ी ना बातें। अब जाते हैं हमने सॉल्वेंट कैसा यूज किया है ना भाई। तो आपको यहां पता चल गया आपको कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं, और अल्काइल हैलाइड पे मैटर कर रहा है। ठीक है, अब बताते हैं यहाँ पर जो हमने सॉल्वेंट यूज किया है, कई सारे बातें हमने यहाँ पर सॉल्वेंट से रिलेटेड एलिमिनेशन रिएक्शन में ही कर ली है। तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट हमने यूज किया है वो है हमारे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। कैसे? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब भाई पोलर होने का फायदा क्या हुआ? जो हमारे कार्बन हैलोजन का बॉन्ड होगा, जो कार्बन हैलोजन का बॉन्ड होगा वो वीक कर देगा। कौन? पोलर होने की वजह से। पोलर होने की वजह से कार्बन हैलोजन का बॉन्ड क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी की वजह से यहाँ पे कार्बन हैलोजन बॉन्ड का ब्रेकेज हो जाता है, इसलिए वो वीक हो जाते हैं। इजिली हमारा न्यूक्लियोफाइल लीव कर जाता है और कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाती है। प्रोटिक होने की वजह से, प्रोटिक के पास अगर प्रोटिक है तो उसके अंदर एबिलिटी है एच बॉन्डिंग करने की, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की एबिलिटी होती है इनके पास। कैसे? जब ये क्लोरीन नेगेटिव आयन लीव करता है तो यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल हमने सॉल्वेंट लिए थे, जो हमने वाटर मॉलिक्यूल सॉल्वेंट लिए थे वो तुरंत इसे ट्रैप कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि बात इस चीज आती है, जो क्लोरीन निकला है नेक्स्ट न्यूक्लियोफाइल जो आता है वो न्यूक्लियोफाइल दूसरा ही क्यों अटैक मारता है? ये क्यों नहीं अटैक मारता भाई? भाई जब फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हुई है, सेकंड स्टेप में यही न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक मार के हमारा प्रोटिक दे, ये ऐसा हो क्यों नहीं पाता? इसके पीछे रीजन ये है, हम प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं, वो जैसे ही क्लोरीन नेगेटिव बाहर आता है वो दोबारा ना अटैक मारे, ये तुरंत वाटर मोलिक्यूल इसको सॉल्वेट कर लेते हैं। और बचे हुए वाटर मोलिक्यूल अटैक मार के अल्कोहल दे देते हैं भाई हमें। ठीक है, तो यहाँ पर अपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू ये अपने जो अनायन है, जो न्यूक्लियोफाइल है, उसको सोल्वेट कर लेते हैं। इट सोल्वेट द अनायन कि वो वापस अटैक ना मारे, और अगर ये वापस अटैक मार देगा तो हमारे 3 डिग्री अल्काइल वापस फॉर्म हो जाएंगे। इसलिए ये क्या कर देते हैं, अपने प्रोटिक होने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर उसको सॉल्वेट कर लेते हैं अपने अनायन को, और वाटर मॉलिक्यूल बचे हुए जो होते हैं वो अल्कोहल अटैक मार के अल्कोहल दे देते हैं। तो ये थोड़ी बातें यहाँ पर रखनी है। जैसे हमारे पास प्रोटिक सॉल्वेंट होंगे, वाटर मॉलिक्यूल हो गया, मिथाइल अल्कोहल हो गया, और कौन कौन से हो गए, एसिटिक एसिड हो गया, CH3COOH, ये सारे हमारे क्या हैं भाइयों, प्रोटिक सॉल्वेंट हो गए। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना। अब आ जाते हैं इसी की रिगार्डिंग, पोलर प्रोटिक तो चलो ठीक है, यहाँ पर हमारे सॉल्वेंट तो ठीक है आपने समझ लिया, नेक्स्ट जो है वो किसके ऊपर बातें हैं, यहाँ पर थोड़ा टेम्परेचर का रोल भी होता है। फोर्थ जो बात है जिस पर टेम्परेचर, ये जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और आपको पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमेशा लो टेम्परेचर पर प्रेफर होती है, तो SNO रिएक्शन लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, अब आते हैं पांचवी बात जिसको हमें रिलेट करना है, वो है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1। तो SN1 की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है, तो आपको पता है यहाँ पर कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है। क्या होती है भाइयों? कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन। तो भाइयों मैं कार्बोकैटायन दिखा रहा हूँ, ये आपके कार्बोकैटायन है, और कार्बोकैटायन में पॉजिटिव चार्ज जो है इस पे है। ठीक है, देखो ये हमारा अल्काइल हैलाइड ले लिया मैंने आपको। ठीक है, अभी हमने कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन की, ये हमारे तीन जो बॉन्ड है वो एक प्लेन में होंगे, और ऊपर वाला अबव द प्लेन और नीचे वाला बिलो द प्लेन। तो यहाँ हमारे अटैक मारने कौन आते हैं? वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। तो भाई वो यहाँ पे जो अटैक होगा वाटर मॉलिक्यूल का, वो अपर द प्लेन भी हो सकता है, बिलो द प्लेन भी हो सकता है। तो दो कंडीशन रिक्वायर्ड होगी। अगर हमारे वाटर मॉलिक्यूल जहाँ से जो लिविंग ग्रुप है हमारे, कौन से लिविंग ग्रुप है, ये क्लोरीन नेगेटिव है, अगर यहीं से लीव करता है वाटर मॉलिक्यूल यहीं से जुड़ता है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो रिटेन कर लेगा इसकी पोजीशन, जहाँ से लिविंग ग्रुप लीव किया है वहीं से वाटर मॉलिक्यूल अटैक मारेगा, तो हमारे जो प्रोडक्ट है वो रिटेन हो जाएगा, मतलब जैसी कॉन्फ़िगरेशन इसकी थी और वैसी कॉन्फ़िगरेशन उसकी हो जाएगी, तो मतलब हमने उसकी शेप साइज पूरी रिटेन कर ली है। तो यहाँ पर हमने रिटेंशन किया है, मतलब रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका प्रोडक्ट, हम रिटेंशन कर देंगे यहाँ पर रिटेंशन। और यहाँ पर जो 50 एक मिनट रुक जाओ,
ठीक है, देखो नोट गए, कोई दिक्कत नहीं है, रिटेंशन होगा यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ अटैक मरेगा तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा OH, ठीक है। और अगर हम नीचे किस तरह मांगेंगे तो इसकी इन्वर्जन हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन यहां से लीव किया है, वाटर मॉलिक्यूल इधर ऐड कर रहा है, तो हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा। एक मिनट, ठीक है भाइयों, इस तरीके से दिखेगा। तो ये हमारे जो प्रोडक्ट बना है, जहां से निकला वहीं हम वाटर मॉलिक्यूल लग जाए तो रिटेंशन होता है, और जहां से निकला और उसके अपोजिट साइड से, मतलब नीचे बिलो द प्लेन से अटैक हुआ है, तो ये इन्वर्जन हुआ है। क्या हुआ है भाइयों? इन्वर्जन। तो यहाँ पर रिटेंशन, यहाँ पे इन्वर्जन। और भाइयों, और जब रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों प्रोडक्ट हो रहे हैं तो इसी को हम बोलते हैं इनेंशियोमर। क्या बोलते हैं? इनेंशियोमर। और इसी को हम, इन्हीं के रिटेंशन और इन्वर्जन के मिक्सचर को हम बोलते हैं भाइयों रैसिमिक मिक्सचर। क्या होता है? रैसिमिक मिक्सचर। तो भाइयों SN1 में क्या फॉर्म होंगे? रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों फॉर्म होते हैं, इसीलिए यहाँ पे रैसिमिक मिक्सचर फॉर्म होते हैं। पर भाइयों एक चीज़ और ध्यान में रखना, यहाँ 100% रैसिमिक मिक्सचर नहीं मिलते, रैसिमिक मिक्सचर नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा रिटेंशन प्रोडक्ट होता है वो 50% से थोड़ा कम होता है, और इन्वर्जन प्रोडक्ट हमारे मोर देन 50% होते हैं, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे इन्वर्जन प्रोडक्ट ज़्यादा होते हैं, थोड़ा इन्वर्जन प्रोडक्ट मोर एज कंपेयर टू इन्वर्जन प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे 100% रेसिंग मिक्सचर नहीं फॉर्म होते, इसीलिए थोड़ा ध्यान देना, यहाँ इन्वर्जन प्रोडक्ट थोड़ा ज़्यादा होते हैं, क्लियर हुआ। तो यहाँ पर अटैक दोनों साइड से होते हैं, अगर क्लोरीन जिस साइड से निकला वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल अटैक मार के अल्कोहल देगा तो हमें रिटेंशन कन्फिग्रेशन हो गई, क्योंकि बॉडी रिटेन कर गई, जहाँ से क्लोरीन वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल। अगर उसके अपोजिट साइड से होता है तो उसे बोलते हैं इन्वर्जन। और हमने SN2 में पढ़ा था, वहाँ पे 100% इन्वर्जन प्रोडक्ट मिल रहा था, क्योंकि वहाँ बैक साइड से अटैक होता था, अटैक अक्कर फ्रॉम रेयर साइड। तो इसीलिए यहाँ पर दोनों साइड से हो रहा था, इसलिए रेसिंग मिक्सचर मिलता है। पर फर्क क्या है? यहाँ पर हम बोल तो देते हैं रेसिंग मिक्सचर, पर 100% रेसिंग मिक्सचर नहीं मिलता, ठीक है। इन्वर्जन प्रोडक्ट थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखेंगे। अब बताते हैं कौन कौन से फैक्टर हमारे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे अफेक्ट करेंगे। तो भाई फैक्टर अफेक्टिंग RDS, तो देखो अभी तक हमने जो भी बातें हमने मैकेनिज्म में देखी थी उनको हमने कवरअप किया। अब बताते हैं फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो हमारे RDS पे अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं। तो पहला जो फैक्टर है वो हमारे हैं नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड, है ना भाइयों? क्योंकि हमारा तो पहला इसी चीज ही है कि हमारी जो RDS मॉलिक्यूल है उसमें एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व कर रहा है RDS की स्टेप में। RDS हमारी स्टोरेज स्टेप होती है, और RDS में ही हमारा एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व कर रहा है, और जो कि है हमारा अल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पे अल्काइल हैलाइड मैटर कर रहा है, ठीक है। क्यों अल्काइल हैलाइड पे मैटर कर रहा है? कि टू फॉर्म मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। तो आ जाते हैं हम, कुछ अल्काइल हैलाइड लेकर आ रहा हूँ आपके पास, फिर बताना आप। एक अल्काइल हैलाइड ये रहा हमारे पास, एक अल्काइल हैलाइड ये रहा, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ एक्स, ठीक है। ये H, ये H और ये X, और आखिरी में हमारे पास है CH3X। देखिए आपके पास ये हमारे पास 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, और ये मिथाइल हैलाइड है। तो बात आती है कौन सबसे अच्छा SN1 रिएक्शन। तो आपको पता है RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में हमारे अल्काइल हैलाइड की स्टेबिलिटी मैटर कर रही है। तो जितना, और RDS की फॉर्मेशन में क्या फॉर्म होते थे? कार्बोकैटायन। क्या फॉर्म होते थे भाइयों? कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी मैटर्स करेगी, तो पहले तो कार्बोकैटायन फॉर्म करो। यहाँ सारे लीव करेंगे, पॉजिटिव चार्ज बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। बात आती है कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, नौ अल्फा हाइड्रोजन मिलकर इसको स्टेबलाइज करेंगे।
यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन मिलकर इसको स्टेबलाइज करेंगे, 2 अल्फा हाइड्रोजन कार्बन है और यहाँ सिर्फ 1 अल्फा कार्बन है, सिर्फ 3 अल्फा हाइड्रोजन मिलकर इसको स्टेबलाइज करेंगे और इसे 0 अल्फा हाइड्रोजन मिलकर स्टेबलाइज करेंगे। तो इसकी स्टेबिलिटी 9 अल्फा हाइड्रोजन से ज़्यादा स्टेबलाइज हो रहा होगा, देन ये, देन ये, देन ये। तो हमारा जो ऑर्डर होगा ए बी, मैं ऐसे ही बता देता हूँ, 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, लास्ट वन हमारा मिथाइल। ठीक है, तो ये हमारे स्टेबिलिटी है, थोड़ा इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखेंगे। जैसे आपके पास और भी अल्काइल हैलाइड के वैरायटीज है, जैसे आपके पास अलाइल कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाए, मतलब हम अलाइल और विनाइल हैलाइड ले लें, तो हम कैसे हम अपनी स्टेबिलिटी जजमेंट करेंगे? पहले तो हम डिफरेंट ले रहे हैं, जैसे हमारे पास इस तरीके से अल्काइल हैलाइड है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl, एक ये हमारा अल्काइल हैलाइड है और एक ये है हमारे पास। ठीक है, और ए और बी में स्टेबिलिटी बताओ क्या होगी? तो आपको पता है, पहले कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन करो, ये हटेगा कार्बोकेटाइन यहां मिलेगा। तो बात आती है, ये जो कार्बोकेटाइन है हमारा, पहले इस पर जाओ, ये अल्फा, ये अल्फा, 6 अल्फा हाइड्रोजन मिलकर स्टेबलाइज कर रहे होंगे, है ना भाइयों? यहां पर क्या हो रहा है, पाई सिग्मा पॉजिटिव रेजोनेंस हो रहा है, तो इट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन है और ये हाइपर कंजुगेशन स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन है। और आपको मैंने बताया था ऑर्डर कि रेजोनेंस से जो स्टेबिलिटी मिलेगी वो सबसे ज्यादा होगी, देन हाइपर कंजुगेशन, देन इंडक्टिव। तो ये ऑर्डर होता है, रेजोनेंस या मेसोमेरिक से जो स्टेबिलिटी मिलती है कार्बोकेटाइन को वो सबसे ज्यादा मिलती है एज कंपेयर टू हाइपर कंजुगेशन। तो ऑर्डर में ये जीत जाएंगे, ए इज ग्रेटर देन बी, हमारा अलाइल कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड वाले कार्बोकेटाइन से। ठीक है, अब बताते हैं अपने इसी में वैरायटी ले लेते हैं एक और, जैसे आपके पास बेंजाइल हैलाइड है, ठीक है, और आपके पास 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, यहाँ क्लोरीन, यहाँ मिथाइल, ठीक है, और एक पास आपके पास है बेंजाइल में भी, वो भी 2 डिग्री। ठीक है, देखो ए बी और सी, ए बी और सी में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा अल्काइल हैलाइड का, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा भाइयों? तो आप देख सकते हो, ये हमारा अल्काइल हैलाइड है, ये भी हमारा अल्काइल हैलाइड है और कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन यहाँ पे भी हो सकती है। ठीक है, तो देख सकते हो ये हमारा बेंजाइल हैलाइड है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसमें भी प्लस आर रेजोनेंस हो रहा है, इसमें भी प्लस आर हो रहा है, पर इसको ये 9 अल्फा हाइड्रोजन मिलकर इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ये सिर्फ हाइपर कंजुगेशन स्टेबलाइज हो रहा है। पर भाइयों यहाँ पर क्या होता है ना, एक आपको पता है ये 1 डिग्री प्लस रेजोनेंस, ठीक है, 1 डिग्री है, 1 डिग्री प्लस रेजोनेंस मिल रहा है और ये साथ में 2 डिग्री प्लस रेजोनेंस है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में तो सी से सबसे ज्यादा आ गया, क्योंकि 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड जब से ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, 2 डिग्री प्लस रेजोनेंस मिल रहा है इसमें, ये 1 डिग्री प्लस रेजोनेंस, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी तो इसकी होगी। देन हमारे बी की होगी, थोड़ा एक्सेप्शनली इसकी जो स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, आपको जब मैं कार्बोकेटाइन पढ़ा रहा था तो यहाँ पे सारी बातें बताई थी मैंने हाइपर कंजुगेशन के अंदर। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन जब पढ़ा रहा था ना, तो हमने स्टेबिलिटी ऑर्डर में ये सारी बातें बताई थी, जिनको दिक्कत है वो जल्द जाके जरूर देखें, नहीं तो यहाँ मैंने आपको बता दी ये इससे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, देन हमारा ऑर्डर आता है ए। तो थोड़ा याद काम चला लेना, याद रखना कि 1 डिग्री प्लस रेजोनेंस से भी बेंजाइल हैलाइड से भी बेंजाइल कार्बोकेटाइन से भी ज़्यादा स्टेबल होते हैं हमारे 3 डिग्री अल्काइल कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो इस चीज़ को नोट करें। नेक्स्ट, हमारे जो लिविंग ग्रुप पे भी तो थोड़ा डिपेंड कर रहा है ना, कि हमारा जो रेड रिमाइनिंग स्टेप है वो हमारे लिविंग ग्रुप पे भी डिपेंड कर रहा है, कर रहा है। जब क्लोरीन हमारे जो लिविंग ग्रुप अच्छी तरह लिव करेंगे, जितनी आसानी से लिव करेंगे उतनी जल्दी हमारा रेड रिमाइनिंग स्टेप बढ़ जाएगा। तो नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप आ जाते हैं, लिविंग ग्रुप जितना अच्छा लिविंग ग्रुप उतना अच्छा आरडीएस। तो भाई जितना गुड लिविंग ग्रुप होगा उतना ही हमारा आरडीएस क्या होगा, गुड होगा, अच्छा होगा, नहीं होगा आ जाते हैं। तो रेट लिविंग ग्रुप टेंडेंसी पे डिपेंड कर रहा है, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिविंग ग्रुप,
टेंडेंसी, और इसके ऊपर तो हमने कई सारी बातें कर चुके हैं। लिविंग ग्रुप टेंडेंसी के ऊपर अलग ही लेक्चर बनाए। अब आ जाते हैं आपके पास इस तरीके से अल्काइल हैलाइड मिलेंगे, बताओ ए बी ओ सी ओ डी में ऑर्डर क्या होगा लिविंग ग्रुप टेंडेंसी का। तो आपको पता है जिसका बड़ा साइज वो अच्छा लिविंग ग्रुप, अगर साइज का मैटर फंसता है तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फंसता है फिर हम चेक करते हैं रेजोनेंस। पर भाइयों यहाँ पर तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ से यहाँ जाएंगे साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ेगा तो जिसका साइज ज़्यादा होगा उसका वो नेगेटिव चार्ज अच्छी तरह रख सकता है। तो ये ऑर्डर हो गया हमारा, तो ये हमारे लिविंग ग्रुप टेंडेंसी का ऑर्डर है, नोट कर ले। तो यहाँ पर हमने लास्ट वन जो बातें हम करते हैं वो हमारे क्या है थर्ड, हमने सॉल्वेंट कैसे यूज़ किए हैं, और सॉल्वेंट के ऊपर हमने अभी बात कर चुके हैं। हमने यहाँ सॉल्वेंट यूज़ किया है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और इसके ऊपर बातें कर ली। पोलर होने का वजह से क्या होता है, कार्बन हैलोजन के बॉन्ड को वीक करने में आसानी होती है। देन प्रोटिक कि क्लोरीन नेगेटिव आयन वापस अटैक ना मारे और उसको सॉल्वेट कर लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल, और बचे हुए वाटर मॉलिक्यूल अटैक मार के अल्कोहल दे देते हैं। तो ये सारी बातें हमने वहाँ की थी। और लास्ट वन जो हमारे न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे कोई आरडीएस डिपेंड नहीं करता, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा नोट करें, इतना ही बातें करनी थी एसएनएम से रिगार्डिंग, सारी बातें हमने इन डेप्थ कंप्लीट कर ली है। अब बात आती है हम इसकी सिंथेटिक एप्लीकेशन, तो भाइयों सिंथेटिक एप्लीकेशन नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर अप करेंगे सारी सिंथेटिक एप्लीकेशन, पर वो जब ही कर पाओगे तब इसको अच्छी तरह याद रखोगे, इसकी मैकेनिक्स प्रैक्टिस करोगे, और मैकेनिक्स के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसमें यूज़ किए हैं, क्या क्या यूज़ किया है, क्या इसकी आरडीएस पे इन्वॉल्वमेंट था, सारी बातें हो चुकी है। अगर समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।